तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको गुणा करना यानी कि मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। कोई संख्या 352 है उसमें से 2 का गुणा करना है तो इस तरह से होगा। कोई संख्या 2 है और उसमें से 2 का गुणा करना है, 2 एक का 2, 2 दूना 4, तो जो 2 दूना 4 जो हुआ यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 का गुणा 5 में करना है, 5 में करना है, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हुआ, 10 को लिखेंगे ऐसे। और ये जो ये संख्या है इसको लिख देंगे यहाँ पर, और जिसको भी इसमें से ये वाला इसमें अभी जोड़ देंगे। 2 तीन 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 6 हुआ, 6 को 1 में जोड़ दिए तो इतना 7 हो गया। अगर तो इतना हो जाएगा, अगर 352 में से 2 का गुणा करेंगे तो 704 होगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। वही संख्या 346 है उसमें से 3 का गुणा करना है तो 6 जो है उसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 18 इस तरह से लिखा जाएगा। ये 8 को लिख देंगे 8, और ये 1 वाला इसमें आने की वजह से इसको 1 इसमें गुणा करने पर 1 इसको जोड़ देंगे, 3 के 1 का 3, 3 दूनी 4, 6 3 चाई 9, 3 चौक 12, 12 होने के 12 को 1 में जोड़ देंगे, 12 एक 13 हो जाएगा। 13 किस तरह से लिखा है इसको, 3 को 3 लिख देंगे, 13 को 3 लिख देंगे, 1 जो है इसमें 3 में जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा है, 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 जो हुआ है तो उसको 1 जोड़ देंगे क्योंकि वो हुआ था हासिल, तो इसमें 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 1 10 हो गया, तो इसको 10 लिखेंगे। इस तरह से होता है गुणा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।